हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज अपन रिव्यू करने वाले हैं एन एक्शन हीरो मूवी का। तो चलो दोस्तों अपन इस मूवी का पॉइंट वाइज रिव्यू करते हैं कि स्टोरी कैसी थी, परफॉर्मेंस कैसी थी, क्लाइमेक्स कैसा था, एक्शन कैसा था और ये मूवी थिएटर में देखने लायक है कि नहीं। तो सबसे पहले अपन स्टोरी की बात करते हैं। स्टोरी की बात करें तो इसकी स्टोरी कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। अपना जो हीरो रहता है वो शुरुआत में उसके हाथों से एक मर्डर हो जाता है, तो उसका जो भाई होता है वो इसको मारना चाहता है। इन पूरी मूवी में वो उससे बचकर भागता रहता है। इतनी स्टोरी है, ज़्यादा कुछ स्टोरी डिफिकल्ट है नहीं। सिर्फ नाम एक्शन हीरो रखने से एक्शन हीरो नहीं हो जाते, मतलब मूवी की जो स्टोरी है वो मूवी के अंदर जो हीरो एक्शन हीरो होता है उसके ऊपर डिपेंड है, बाकी कुछ एक्शन जैसा कुछ है नहीं। ने बात करें परफॉर्मेंस की, देखो परफॉर्मेंस अच्छी थी आयुष्मान खुराना की भी और स्पेशली जयदीप सर की, लेकिन जब स्टोरी वीक हो तो अच्छी परफॉर्मेंस भी काम नहीं आती है, तो अपन क्या ही कर सकते हैं। फिर बात करें क्लाइमेक्स की, तो देखो इसका क्लाइमेक्स भी कुछ नया नहीं है। ने क्लाइमेक्स में वो बस अपना हीरो बच जाता है और क्या। ने बात करें एक्शन की, तो देखो सिर्फ मूवी का नाम एक्शन हीरो मूवी है, बाकी एक्शन तो इसमें बिल्कुल बेकार है और है ही नहीं। एक भी अच्छा एक्शन सीन देखने नहीं मिलेगा, काफ़ी एवरेज है सब कुछ यार। मतलब एक्शन तो बहुत ही एवरेज था बिल्कुल। ने पूरी मूवी की बात करें तो पूरी मूवी में कुछ खास है नहीं यार। पता नहीं आयुष सर को क्या हो गया, लगातार 3 मूवीज़ फ्लॉप दे दी यार। पहले तो डॉक्टर जिन, फिर अनेक ने, फिर अब ये भी, इसमें भी कुछ खास दम नहीं। इस मूवी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी वो है कि आजकल बॉलीवुड कंटेंट पे ध्यान दे रहा है। इस मूवी में जबरदस्ती का हीरोइन का रोल नहीं रखा है, मतलब ये लोग जो दिखाना चाहते थे हीरो के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इन्होंने हीरो के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा दिया, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। क्योंकि यार हर मूवी में जो कैरेक्टर की ज़रूरत नहीं होती है वो ज़बरदस्ती नहीं डालने के, इसमें हीरोइन की ज़रूरत नहीं थी तो इन्होंने नहीं डाला, तो ये मुझे अच्छा लगा। बाकी इसमें एक सॉन्ग था वो मलाइका अरोरा के साथ, अरे यार माना कि ना उनकी फिजिक्स बहुत अच्छी है लेकिन आंटी तो वो दिखती है यार। चलो खैर छोड़ो। पूरी मूवी की बात करें तो पूरी मूवी काफ़ी एवरेज थी यार। मान लो अगर आप आयुष्मान खुराना के डाई हार्ट फैन हो तो ही आपको मूवी अच्छी लग सकती है, बाकी इस मूवी को थिएटर में देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता, काफ़ी एवरेज है। मान लो कभी टीवी पे आए तो देख लेने का, बाकी तो स्पेशली थिएटर में जाओ इसके लिए वो इतनी अच्छी तो नहीं है यार। तो दोस्तों ये था अपना पर्सनल ओपिनियन और रिव्यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। और दोस्तों ये रिव्यू और ओपिनियन हमारे पर्सनल होते हैं तो कोई भी इसे दिल पे नहीं लेगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।